Episode 180, Splurging in the Shopping Mall। हाँ हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। विधि अचानक बुरी तरह से चिढ़ गई। ये तो सिर्फ थोड़े से कपड़े हैं। आपको इनके लिए भी इतनी गहराई से छानबीन करने की क्या जरूरत पड़ गई? मोहित, मुझे जो पसंद आएगा मैं वही पहनूंगी। मुझे थोड़ा पर्सनल स्पेस भी दीजिए। मोहित ने बहुत दुखी होकर उसकी तरफ देखा। तो तुम अब मुझे सच बताने को भी तैयार नहीं हो? विधि जितना चाहती थी मोहित ने उसे उतना घुमाया और पूरे दिल से, बहुत ध्यान रखते हुए। उसने उसके लिए गिफ्ट भी खरीदा था। यहाँ तक कि सुचित्रा ने भी यही कहा कि उसने विधि के लिए पहले ही काफी कुछ किया है। वाकई में अब वो ऐसा कुछ और सोच भी नहीं पा रहा था जो एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से चाहती हो। वो अभी भी काफी इनसिक्योर फील करता था और उसे हमेशा ऐसे ही लगता था कि विदुषी अभी भी उससे बहुत दूर थी। विदुषी ने कभी भी उससे कुछ नहीं मांगा था, ना तो वो दूसरी लड़कियों की तरह अपने बॉयफ्रेंड से कभी भी कोई गिफ्ट मांगती थी और ना ही वो उसे कभी भी अपने साथ रहने के लिए कहती थी। इनफैक्ट वो तो उसे किसी और चीज के लिए भी नहीं बोलती थी। ये सब देखकर बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मोहित क्या कर रहा है या उसने क्या किया था। लगता था जैसे सचमुच उसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। सुचित्रा ने भी कहा था कि जब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार नहीं करती है सिर्फ तभी वो ऐसा कोल्ड बिहेव करती है। सुचित्रा की इस बात ने मोहित को बुरी तरह से डरा दिया था। उसने विधि को कसकर पकड़ लिया। मुझसे झूठ बोलते समय भी तुम इतनी कॉन्फिडेंट लग रही हो। क्या तुम सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती हो? क्या ये सब आरफ कपूर की वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, उसने जल्दी से उसे रोक दिया और अपने से दूर करने के लिए उसे जोर से ढकेल दिया। मोहित ने उसकी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा और अपने होंठ कसकर बीच लिए थे। विधि बहुत गुस्से में थी और उससे नाराज थी। स्टॉप इट, हर बार जब भी कुछ ऐसा होता है आप उसे ब्लेम करने लगते हैं। लेट्स गो। क्या आप मुझे गिफ्ट नहीं देना चाहते हैं? क्या आप मुझे अपने खरीदे हुए कपड़े पहने हुए नहीं देखना चाहते? चलिए अब मॉल चलते हैं और 10 जोड़ी कपड़े खरीदते हैं। वो बहुत देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसे नीचे लेकर आ गया। वो दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच गए। ये शॉपिंग मॉल शहर के सबसे अच्छे इलाके में था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ थोड़े से ही कस्टमर्स थे और ये बहुत पीसफुल था। जब वो लोग मॉल के अंदर गए तो शुरू की कुछ दुकानें फेमस ब्रांड्स की थी और वहाँ कई तरह के कॉन्सेप्ट स्टोर और फ्लैगशिप स्टोर्स भी थे। वहाँ की शॉपिंग असिस्टेंट भी बहुत ग्रेसफुल थी और उसने उनका स्वागत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ किया था। मोहित ने कहा, तुम्हें जो पसंद आए वो चुन लो। विधि ने उन दुकानों में जाकर देखा और पाया कि जो चीजें बेच रहे थे वो बहुत महंगी थी, इसलिए वो मोहित के बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करवाना चाहती थी। वो उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन वो उसका एहसान नहीं लेना चाहती थी। इसके अलावा जब विधि का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसने महसूस किया कि उनके बीच की बहस एकदम फालतू और बेबुनियाद थी। वो हकीकत में उसके साथ अपना झगड़ा खत्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने कहा, मेरे लिए कपड़े आप चुन दीजिए, जो आप पसंद करोगे वो मैं ले लूंगी। जब मोहित ने उसकी बात सुनी तो उसकी समझ में आ गया कि विधि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या सचमुच में विधि ने उसके दिए हुए गिफ्ट्स को कभी भी इम्पोर्टेंस दी थी? वो बिल्कुल भी पिकी नहीं थी क्योंकि उसे उन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मोहित की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। उसने कहा, तुमने अभी थोड़ी देर पहले ये नहीं कहा था कि मैंने जो कपड़े तुम्हारे लिए खरीदे थे तुम्हें उनकी स्टाइल नहीं पसंद आ रही है? अब अगर मैं फिर से तुम्हारे लिए कुछ पसंद करता हूँ तो तुम फिर से कह सकती हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं है और फिर तुम इसी बात को बहाना बनाकर जो भी मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा उसे पहनने से साफ मना कर दोगी। मोहित, आप विधि को उसकी बात सुनकर थोड़ा बुरा जरूर लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मोहित ऐसा भी कुछ भी कह सकता है। मोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी तरफ देखा। ठीक है ठीक है, विधि को एक बार फिर से गुस्सा आने लगा और उसने मोहित के साथ अपना झगड़ा खत्म करने का ख्याल पूरी तरह से झटक कर दूर कर दिया। मोहित, तो आप चाहते हैं कि अपने लिए कपड़े मैं खुद ही चुन लूं? फाइन, तो बाद में पछताना मत। इससे पहले कि मोहित कुछ कह पाता
ब्रांड का नाम देखे बिना विधि पास की एक फीमेल बुटीक में घुस गई और 3-4 कपड़ों को बाहर निकाल दिया। एक ये और एक ये। इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे कपड़े मुझे पैक करने में मदद कीजिए। मिस, शॉपिंग असिस्टेंट एकदम हैरान हो गई थी। हमारे यहाँ सारे कपड़े बेचने के लिए रखे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मैं इन कपड़ों के लिए पे नहीं कर सकती? विधि गुस्से से उबल रही थी। उसने शॉपिंग असिस्टेंट के साथ बहस करना शुरू कर दिया था। आप अपनी आँखों का बेहतर इस्तेमाल करके देख सकती हैं तो देखिए, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मेरे पीछे एक अमीर आदमी खड़ा है? पैसे उनसे मांग लो। शॉपिंग असिस्टेंट ने उसे और मोहित को देखा और आखिर में कंफर्म करने के लिए मोहित पर अपनी नजरें टिका ली। उन सभी को पैक कर दीजिए, मोहित ने धीरे से कहा। शॉपिंग असिस्टेंट ने उसे शक भरी निगाहों से देखा और बिल बनाने लगी। थोड़ी ही देर में वो क्रेडिट कार्ड मशीन और रसीद ले आई। सर, टोटल 70,07,800 रुपए होते हैं। मोहित ने सीधे उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। आखिर में शॉपिंग असिस्टेंट ने अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट एक बार फिर से बिखेरी। उसने जल्दी से कार्ड स्वाइप किया और मोहित से बिल पर साइन करने के लिए कहा। अचानक वो बहुत ज्यादा हम्बल हो गई। सर, मैडम, प्लीज आप दोनों थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए, मैं आपके कपड़े अभी पैक करती हूँ। अब मोहित के साथ विधि अकेले रह गई थी। और शॉपिंग कर लो, मोहित ने ताना मारते हुए विधि से कहा। तुमको मेरे पैसे बचाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने पहले ही कह दिया कि मैं एक अमीर आदमी हूँ। मोहित ने जो कहा उसे सुनकर विधि और भी ज्यादा भड़क गई और ज्यादा गुस्से में आ गई। ठीक है, अगर पैसा खर्च करने की उसकी इतनी ही इच्छा है तो वो भी उसकी इस इच्छा को जरूर पूरा करेगी। इसके अलावा जिस कार्ड से वो खर्च कर रही थी वो उसका अपना कार्ड तो था भी नहीं। जब मोहित को पैसा खर्चा करने में बुरा नहीं लग रहा है तो वो भी इसके लिए गिल्ट क्यों फील करे? विधि ने अपना सर घुमाया और सीधे दूसरी दुकान में चली गई। इस बार उसने कुछ भी नहीं उठाया। उसने सीधे शॉपिंग असिस्टेंट को उसके लिए सब कुछ पैक करने के लिए कह दिया। मोहित जो उसके पीछे पीछे चल रहा था सिर्फ अपना कार्ड स्वाइप कर बिल का पेमेंट करता जा रहा था। वो उसे सिर्फ खाली नजरों से देख रहा था कि किस तरह से उसके पैसे बर्बाद कर रही थी। तीसरा स्टोर, फिर चौथा। विधि एक दुकान से दूसरी और दूसरी से तीसरी दुकान में जाती जा रही थी। जब भी वो देखती कि कोई दुकान लेडीज के कपड़े बेच रही है तो वो सीधे उसमें जाकर बिना कुछ पसंद किए सब कुछ खरीद लेती थी। ये मॉल फेमस लग्जरी ब्रांड से भरा हुआ था। जब विधि ने 2 फ्लोर्स पूरी तरह से खाली कर दिए तो मॉल के मैनेजर को ये बात पता चली और उसने जल्दी से उन्हें ढूंढकर पर्सनली अटेंड किया। इतने सारे मुस्कुराते हुए चेहरों के आसपास होते हुए धीरे धीरे विधि का गुस्सा भी फीका पड़ने लगा था। इसके अलावा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना सारा पैसा फालतू में खर्च कर दिया था। उधर मोहित भी बिना किसी एक्साइटमेंट के चुपचाप बिल पे करता जा रहा था, जैसे कि उसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। जब उन्होंने कुछ और दुकानें खाली कर ली तो विधि ने अपना इंटरेस्ट खो दिया और रुक गई। मोहित ने शांति से पूछा, क्या तुमने परेशान कर लिया है? मोहित की स्टोन ने विधि को एक बार फिर से इम्पल्सिव होने के लिए मजबूर कर दिया। मोहित, आप मुझे ऐसे एक्सप्रेशन के साथ नहीं देखेंगे। उसने अपना सर घुमाया और उस पर चिल्ला पड़ी, आपके पास सिर्फ पैसे ही हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ दुकानों से कपड़े खरीदने से आपको कितना नुकसान हो जाएगा? अतीत ने मैं कहते कहते उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अतीत में वो एक अरबपति थी लेकिन अब यहाँ पर वो कपड़ों का एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकती थी। वो गुस्से में घूम गई और वहां से जाने लगी, लेकिन उसके जाने से पहले ही उसे मोहित ने पकड़ लिया। जाने दो, वो जोर से चिल्ला रही थी। एक्सक्यूज मी सर, मैडम, मॉल के मैनेजर ने उन्हें केयरफुली इंटरप्ट करते हुए कहा, इन कपड़ों का क्या करना है? अपने साथ लेकर जाने के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा है, क्या इन्हें आपके घर पहुंचाने के लिए मैं कार का इंतजाम कर दूं? मोहित ने मॉल मैनेजर की तरफ देखा तक नहीं बल्कि सीधा विधि से पूछा, तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें आज रात इनमें से एक को पहनना है, इनमें से पहले एक चुन लो, फिर उसे ट्रायल रूम में एक बार जाकर ट्राई करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? विधि ने उसकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने बहुत बेतरतीब तरीके से उनमें से एक बॉक्स बाहर निकाल लिया और कहा, मैंने इसे चुन लिया है मोहित, अब मुझे जाने दो। उसने उसे जाने दिया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ आइटम देखकर कहा, आर यू श्योर?
विधि ने अपना सर नीचे झुकाया और ट्रांसपेरेंट पैकेट के अंदर झांक कर देखा। एक नजर देखकर ऐसा लगा जैसे कि कुछ ठीक नहीं था। उसने उसे खोला और देखा कि अंदर एक नरम ऊनी बाथरोब था। विधि ने बॉक्स को वापस ढेर में फेंक दिया और बहुत ही बेतरतीब ढंग से कपड़ों के ढेर में अपने पहनने के लिए एक सूटेबल ड्रेस ढूंढने की कोशिश करने लगी। मोहित ने उसे देखा और धीरे से कहा, विदुषी जब तुम इन कपड़ों को चुन रही थी तब भी तुम इन पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी तुम इन्हें म्यूजिक फेस्टिवल में पहनकर जाना चाहती हो बजाय इसके कि जो कपड़े ऑलरेडी घर पर पड़े हैं और जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था। आखिर क्यों? विधि ने कपड़ों के ढेर में ढूंढना बंद कर दिया। मोहित, क्या आपकी बात खत्म हो गई? क्या आप इस बेकार टॉपिक को छोड़ सकते हैं? बेकार का टॉपिक? अगर ये सचमुच बेकार बात होती तो तुम मुझे इतनी सी बात का जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? मोहित भी भड़क गया था। विधि बुरी तरह से चिढ़ गई। आप मुझसे कैसा जवाब सुनना चाहते हैं? बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं दर्द से रोऊं और अपनी गलती कबूल करूं? या आपको मेरे जवाब में इस बात का सबूत मिलने की उम्मीद है कि मेरे दिल में? मोहित ने बहुत नरमी के साथ कहा, लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारे दिल में कोई और है। क्या तुम अपने आप ही ऐसा सोचती हो? विधि ने अचानक बात करना बंद कर दिया। मोहित अपने चेहरे पर एक दर्द और उदासी से भरा हुआ एक्सप्रेशन लिए हुए उसे चुपचाप देखता रहा।